दोस्तों यार, जिसने भी यार कॉपी पेस्ट के चैनल बनाया था ना यार, आज लाखों रुपया महीना कमा रहे। मैं बस यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, काफी क्रिएटर्स मेरी बात हुई है यहाँ दोस्तों। वो लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे सिर्फ गूगल से कॉपी करते हैं और यूट्यूब पे पेस्ट कर देते हैं। कहीं और से कॉन्टेंट उठाओ और यूट्यूब पे डाल दो, कॉपी पेस्ट करो और आपका चैनल ग्रो हो रहा है। दोस्तों आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हो यूट्यूब से, ऐसा काफी क्रिएटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस तरह यूट्यूब पे वीडियो देखा हो और आप मजाक में देख कर निकल गए हो, लेकिन दोस्तों अगर आप सीरियस होकर काम कर दोगे इस कंटेंट पर ना, आज भी दोस्तों अगर आज भी आप इस तरह चैनल बना लेते हो, अच्छा खासा पैसा कमा लोगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल नहीं बनाया कॉपी पेस्ट का, तो यार ये वीडियो देखने के बाद जरूर बनाना, ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इतना अच्छे से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, एकदम प्रोफेशनल टाइप का। अगर आप इस तरह एडिटिंग सीख के अगर आप ये काम करोगे ना, आप जो लोग चैनल पहले बना रखे हो उनसे भी अच्छा आप काम करोगे और आपको रिजल्ट दिखेगा। बट दोस्तों आपको एक बात पहले ही बता दूं कि अगर आप वीडियो भगा भगा कर देखोगे यार, हो सकता है कि कुछ पॉइंट में ऐसा बोलूं और आप मिस कर जाओ, तो यार आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस कंटेंट का कैसे यूज करना है, किस तरीके से एडिटिंग करना है, एडिटिंग तो बहुत ही मस्ट है दोस्तों, जिस तरह मैं सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से करोगे दोस्तों तो आपका कंटेंट वायरल होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कहलाता है। बाकी तो बहुत तरीके हैं दोस्तों आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। जो मैं सिखाऊंगा दोस्तों उस तरह सीखना, बहुत ही ईजी तरीके में आप कर लोगे एडिटिंग, ठीक है। गूगल से दोस्तों आपको कॉन्टेंट उठाना है, यूट्यूब पर अपलोड करना है, उसको एडिट करके। इसमें आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, फेस की कोई जरूरत नहीं है, कैमरा आपको फेस नहीं करना है, कैमरा आपको सामने मोबाइल लग के रिकॉर्ड नहीं करना है, पीठ पीछे काम करना है, बस सिर्फ आपकी आवाज़ चाहिए, समझ रहे हो, सिर्फ आवाज़ चाहिए। एग्जांपल दोस्तों आपको दिखाता हूँ, साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक चैनल दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 85,000 सब्सक्राइबर हो गए, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो व्यूज़ एक महीने में दोस्तों 5.8 मिलियन व्यूज़, 58 लाख व्यूज़, सिर्फ एक ही चैनल नहीं है। यहाँ पर एक और चैनल देख सकते हो एक महीने में 7.9 मिलियन व्यूज़, तकरीबन 80 लाख लोगों ने देखा वीडियो, देख सकते हो 4 मिनट की वीडियो है। क्या है, गूगल से कहानी उठाया है बंदा और उसी को दोस्तों कहानी पढ़ रहा है और यूट्यूब पर डाल दिया उसने। हाँ, एडिटिंग अच्छा किया, एडिटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक और चैनल देख सकते हो यहाँ पर कि एक महीने में 4.6 मिलियन व्यूज़, देख सकते हो 46 लाख लोगों ने देखा, कहानी है बस, कहानी आपको बनाना भी नहीं है, सिर्फ कहीं गूगल पे पहले से कहानी होगा, आपको उठाना है और यूट्यूब पर डालना है। एडिटिंग कैसे करना है, किस तरीके से इसको करना है एडिटिंग ना, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा, बहुत ईजी तरीका, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो और चैनल दिखा दूँ, ये सब नए नए चैनल है दोस्तों जो अभी भी ग्रो हुए हैं, और इस तरह की बहुत ऐसे चैनल हैं, बहुत चैनल हैं, आप भी इस तरह का बना सकते हो, ठीक है। आप जिस भी कंटेंट पे काम करो, काम करो, इस तरह का भी चैनल बना लो यार, चैनल बना लो, आधा घंटा भी अगर आप डेली का निकाल दोगे ना यार, आराम से अच्छा खासा पैसा कमा लोगे यार, ऑनलाइन कमाओगे। बहुत से लोग कमा रहे हैं, देख सकते हो 2 महीने में 5.5 मिलियन व्यूज़, 2.4 मिलियन व्यूज़, यहाँ पर देख सकते हो 3 महीने में 7.9 मिलियन व्यूज़, इतने ढेर सारे चैनल आपको कितना दिखाऊं मैं, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा कंटेंट दिखा देता हूँ कि किस तरह ये वीडियो बनाते हैं, इनका वीडियो एडिटिंग आप देख सकते हो। ये एक चैनल हमने यहाँ पर खोला, 76,000 सब्सक्राइबर है, ये देख सकते हो इतना इतना व्यूज़ इस पर, ठीक है ना, मिलियन व्यूज़ देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर एक कहानी होता है, उस कहानी को लोग पढ़ के बताते हैं, देख रहे हो इस तरीके से कहानी है ये, 3 महीने में दोस्तों 3 मिलियन व्यूज, 30 लाख लोगों ने देख लिया, बिल्कुल नया चैनल है ये सब, कुछ है नहीं, कैसे एडिटिंग करना, मैं अभी आपको एडिटिंग दिखा दूंगा, ये देख सकते हो सिंपल सा ऐसे स्टार्ट हुआ ये, और देख सकते हो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और ये कहानी पढ़ रही है उनके पीछे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको भी काम करना है, और दूसरा चैनल भी आपको खोल के दिखा दूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला चैनल भी दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो इस तरीके से एक फोटो साइड में लगा दिया है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो किस तरह एडिटिंग किया है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल सिंपल। दोस्तों आपको इसी तरह एडिटिंग करके सबको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडिटिंग करोगे, आपका भी पूरा जो लिखा हुआ रहेगा ना, जो भी आप कहानी लिखोगे वो सब आराम से ऊपर जाता रहेगा, ठीक है ना, जितनी लंबी कहानी जाता रहेगा, ठीक है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखना यार इस वीडियो को। अगर यार अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल पर यार पहले विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। यार अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो का मन अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दसरा की और आप देख रहे हो हमारा चैनल स्प्रेडिंग है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है दोस्तों जिसको अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, यहाँ पे आपके वर्कलोड को काफ़ी कम कर देगा, बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह वीडियो बना लोगे। जैसे यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है इमेज डाउनलोडर। अगर आप गूगल से कोई फोटो डाउनलोड करना चाहते हो, इस इमेज डाउनलोडर के अंदर आप जाकर लिख देना जो भी फोटो डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर नोटपैड फ्री, ये भी दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से, ठीक है। नोटपैड फ्री का क्या काम है अभी आपको आगे पता चलेगा वीडियो में, ठीक है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला जो एप्लीकेशन दोस्तों, इसका नाम है काइन मास्टर, ये एप्लीकेशन इसका यूज करेंगे दोस्तों, काइन मास्टर से कैसे एडिटिंग करेंगे सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे आप लिख कर ऊपर जाएगा, लिखा हुआ ऊपर जाता है, बहुत से लोग कर नहीं पाते ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों कहानी लेने के लिए, कौन सी स्टोरी आपको लेनी है, ठीक है, जिस तरह का आप स्टोरी चाहते हो वो स्टोरी जाकर दोस्तों आप वहाँ पर मतलब गूगल पर जाके आप सर्च कर देना, स्टोरी आपको दिख जाएगी। जैसे आपके सामने मैं दिखा दूँ, गूगल पर जाने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम को ओपन करते हैं,
यहाँ पर टच करके लिख देते हैं जो भी आपको लिखना रहेगा। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है मान लो कि गरीब की कहानी, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया गरीब की कहानी, ठीक है, ये लिख के सर्च कर दिया, आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी जो भी आप वेबसाइट चाहते हो आप ओपन कर लेना, यहाँ पर काफ़ी ढेर से आपको कहानी मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ये ओपन हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। एक क्या है कि जो भी कहानी आपके सामने यहाँ पर आएगी ना, जैसे मान लो कि ये कहानी आ गई, ठीक है, गरीब किसान की कहानी, ठीक, इस तरीके का, किसी गांव में एक किसान रहता था, ये कहानी, ठीक है, पूरा इसको कॉपी करेंगे अभी हम इसको अच्छे से। अब बीच बीच में इसमें ऐड भी आते हैं, ठीक है, कैसे कॉपी करना है अब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, एक तो ये है कि आप ये पूरा स्टोरी सेम टू सेम उठाकर इसको मतलब कॉपी करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं करोगे। और दूसरा क्या दोस्तों कि इस स्टोरी को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको लगे कि यार इसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं तो यार इसमें ऐड कर देना, कुछ मिर्च मसाला लगाकर ऐड कर दोगे ताकि लोग सुने तो सुनते रह जाए, तो ऐड कर देना, इससे और अच्छा होता है। मतलब इससे आपकी जो स्टोरी होती है ना और अच्छी बन जाती है अगर आप कुछ ऐड करोगे तो, फनी वे में, चाहे जैसे भी आप ऐड कर सकते हो। अब मान लो चलो इसको हम कॉपी करते हैं, इस कहानी को कैसे कॉपी करना है, यहाँ से हमें कॉपी करना है, ठीक है, पहले ऊपर क्या लिखा है गरीब किसान की कहानी, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। अब यहाँ से किसी गाँव में किसान रहता था, देख सकते हो यहाँ से, तो कैसे कॉपी करोगे, यहाँ पर क्लिक करो, नीचे आते रहो, देखो नीचे ऐड आ गया, तो ऐड नहीं कॉपी करेंगे, बस यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे छोड़ोगे यहाँ पर लिखकर आएगा कॉपी, जैसे देखो यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, कॉपी हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपके पास जो नोटपैड है, नोटपैड जो आपने डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटपैड फ्री वाला, ठीक है, इसको आप ओपन करो, ठीक है, ओपन करोगे फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस लिखा होगा, इस प्लस पे क्लिक करना, और यहाँ पर दोस्तों टाइटल है, टाइटल आप क्या लिखोगे, गरीब, जो भी था वहाँ पे, मैं देख लो टाइटल क्या था यहाँ पे, टाइटल इसको रखिएगा जो आप देख लीजिएगा, गरीब किसान की कहानी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गरीब किसान की कहानी, गरीब किसान की कहानी, ठीक है। और नीचे जो है दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, हाथ देर तक दबाए रहेंगे, खुद आएगा पेस्ट लिखा हुआ, पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे लिखा गया, ठीक है, देख रहे हो ऐसे लिखा गया। फिर वहीं चलते हैं दोबारा, ठीक है, अब इसके नीचे आओगे और कहानी बचा हुआ है, यहाँ पे आगे ये कहानी, ठीक है ना, बीच में सब ऐड था, यहाँ से कहानी स्टार्ट है। फिर यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे करिए, ऐसे नीचे करेंगे, देखिए दोस्तों पूरा कॉपी हो रहा है, करते रहिए कॉपी, जितना कॉपी करना पूरा कॉपी कर लीजिए जहाँ तक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, मैं पसीने से स्टार्ट किया हूँ और यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया, मान लो यहाँ तक बस कॉपी कर लेता हूँ मैं, जैसे आप छोड़ोगे इसको कॉपी लिखा हुआ आएगा, कॉपी पे क्लिक कर दो, पूरी स्टोरी दोस्तों आप एक साथ एडिट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए, आप देख सकते हो ऐसे पेस्ट हो गया पूरा, ठीक। अब दोस्तों वो करना क्या, ध्यान से देखना, पूरा हमने यहाँ स्टोरी पेस्ट कर दिया, अब ये स्टोरी जो जो लिखे देखो दोस्तों नीचे का यहाँ पूरा कमेंट वगैरह ये सब भी आ गया, तो ये सब हटा देंगे हम, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये पूरा क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, नीचे तक जाएंगे और ये बैक स्पेस दबा देंगे, डिलीट हो गया, ठीक है, ये हमारी स्टोरी है यहाँ तक। अब दोस्तों ध्यान से देखना इसको कैसे बनाएंगे, कैसे एडिट करना, ये ध्यान से देखना। अब दोस्तों आप में से काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे कि हमने क्यों नोटपैड फ्री में, मतलब नोटपैड में क्यों बोला इस कहानी को पेश करने के लिए, डायरेक्ट काई मास्टर में ही पेश करा देते हैं, तो देखो दोस्तों वहाँ पे क्या दिक्कत आती है मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हो, ये लाइन जो है ना एक के बाद एक लाइन लिखी हुई है, अगर वहाँ पेश करोगे ना तो पूरा एक साथ लिखा हुआ आ जाता है और उसको अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसको आधे में तोड़ सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि एक गाँव में एक किसान रहता था, यहाँ तक है, इसको भी दोस्तों हम यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे, कैसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक लाइन अलग हो गया, इस संसार में वो बहुत गरीब था, ठीक है, फिर यहाँ पर करके नीचे कर देंगे, ठीक, फिर यहाँ पर एक साइड से उसको अरेंज करते रहेंगे, इस तरह आपको पहले इसको अरेंज कर लेना है, देख रहे हो मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर दिया, फिर तरीको ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे फिर डाउन कर दिया, इसका क्या यूज़ है अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगा, ठीक है, जब काइन मास्टर में जाएंगे तो। अभी दोस्तों हम बात करते हैं, एक और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाया था जिसका नाम है इमेज डाउनलोडर। यहाँ से क्या करोगे, आपको पिक्चर डाउनलोड करनी है, मतलब फोटो डाउनलोड करना है, इमेज डाउनलोडर को ओपन करिए। अब मान लो कि हमारा जो स्टोरी है उसका नाम है एक गरीब किसान की कहानी है, ठीक है, तो गरीब किसान मतलब की कहानी होगा, तो ऐसे आप चाहो तो गरीब किसान की कहानी भी आप लिख सकते हो, चाहो तो आप कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो हम लिख दे रहे हैं ओल्ड मैन चाहिए हमको, उसका फ़ोटो चाहिए जो थोड़ा गरीब हो, तो ओल्ड मैन पुअर लिख के यहाँ पर सर्च कर दिया, बहुत से फोटोज मिल जाएंगे, आप जो भी चाहो ले सकते हो, इसमें कोई वाटर मार्क नहीं है, तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड है, इस पर क्लिक करिए, ये फोटो डाउनलोड हो गया, आपको जो भी चीज़ दोस्तों चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। अब दोस्तों चलते हैं सीधे, चलते हैं एडिटिंग करने के लिए, अगर हमें कोई और ही फोटो लेना होगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा काइन मास्टर पे, काइन मास्टर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ध्यान से देखना कैसे एडिट करना है इसको, ठीक है। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करके वहाँ पर दोस्तों ये जो रेशियो होगा ना 16:9 और 9:16 आप जिसमें चाहो कर सकते हो, तो अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं लॉन्ग वीडियो, तो हम ये वाला रेशियो लेंगे क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो का रेशियो है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, एडिट कैसे करना है ध्यान से देखो, अगर आपने बैकग्राउंड में दोस्तों कोई ऐसा इमेज रखे हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वरना दोस्तों आप क्या करना, आप इस मीडिया पे जाना, मीडिया पे जाने के बाद से यहाँ पे दोस्तों आपको खुद बैकग्राउंड लिखा हुआ आ जाएगा, बैकग्राउंड, ठीक है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना, बहुत से बैकग्राउंड आपको यहाँ पे शो करेंगे, जो भी कलर चाहते हो आप ले सकते हो, यहाँ से हम व्हाइट वाला ले लेते हैं,
ये ले लिया, व्हाइट वाला बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको पकड़ कर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आप चाहो इसको बड़ा कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा इसको तकरीबन 1-2 मिनट के आसपास कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको पहला काम क्या करना है, आपने जो भी फोटो डाउनलोड किया था ना उसको यहाँ पर लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे, अब आप जाओगे लेयर में, ये जो लेयर है ना यहाँ जाओगे, यहाँ पर लिखा होगा मीडिया पहला वाला, इस पर क्लिक करना। जो भी फोटो दोस्तों आपने डाउनलोड किया होगा ना किसी ना किसी फोल्डर में आया होगा, उसको ओपन करना और यहाँ से उसको इसको सेलेक्ट कर लेना। ये वाली फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाली फोटो थी। अगर आप चाहो तो इसको क्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है क्रॉप का, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से एडिटिंग सीखना, क्रॉप पे क्लिक करो, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, इस तरीके से कम कर सकते हो, ऐसे कम कर सकते हो, ठीक है। फिर टिक लगा दो, छोटा हो गया। अब दोस्तों आप इसको खींच के इसको बड़ा कर दो, ऐसे कर दो, साइड में इसको रख दो। चाहो तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ना इसको ओपेसिटी जो है वो कम कर देंगे। ओपेसिटी कम करने से क्या होगा दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कि नीचे करो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अल्फा नाम का, अल्फा ओपेसिटी, इस पर क्लिक करो, इसको थोड़ा कम कर, देखो कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, हल्का सा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो इसको, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें कहानी लिखना है, कहानी लिखना कैसे, ध्यान देखना, ये जो लेयर है ना दोस्तों, जो हमने यहाँ पर लेयर लगाए हैं, जो फोटो आया है ये, इस फोटो को भी खींच के हम बड़ा करेंगे जब तक ये कहानी चलती रहेगी। सारे लेयर को दोस्तों हम बड़ा करेंगे जो भी इसमें ऐड करेंगे, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। अब सबसे पहला काम है दोस्तों हमारा यहाँ पे कहानी लिखना है, ठीक। लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चलेंगे लेयर पे, क्लिक करिएगा, इस पर आ जाए दोस्तों टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट ये देख सकते हो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी कहानी नोटपैड में अरेंज करके रखा था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, ये कहानी थी, हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं जितना हमने अरेंज कर रखा था, इसको कॉपी, और इसको चलते हैं यहाँ पेस्ट करने, ठीक है। हम आगे यहाँ पे कॉपी कर दी, इसको आप पेस्ट करते हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह का आपके सामने ये शो करेगा, ठीक। अभी दोस्तों ध्यान देखो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम दोस्तों इसका जो शैडो है ना, इस शैडो को पहले हम बंद कर दें, बंद कर दिए, ठीक है। तो पूरा ही गायब हो गया क्योंकि ये वाइट कलर पे, वाइट कलर से लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट जो है मतलब जो कलर है वो वाइट है, इसको पहले चेंज करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ब्लैक कलर कर लेते हैं, इसमें ब्लैक कलर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए, टिक लगा दीजिए, ब्लैक कलर का हो गया, देख सकते हो। अब इसका राइटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए दोस्तों ये जो ए बना है ना, ए आल पे क्लिक कर दीजिए, राइटिंग दोस्तों अब ये जो बोल्ड है ये ले सकते हो, ठीक है, टिक लगा दीजिए, ऐसे हो गया। अब दोस्तों आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे सही से अरेंज नहीं है पहला वाला लाइन, यहाँ पे अरेंज होना चाहिए सही से। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा नीचे करना, ये वाला पहला वाला ये क्लिक कर देना, ऐसे क्लिक करोगे देखो कैसा हो गया, किनारे एकदम अरेंज हो गया, एकदम सही से अरेंज हो गया, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। चाहो तो बीच में भी कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा, चाहो तो ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब दोस्तों इसका साइज जो है थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेंगे ताकि पूरे व्हाइट वाले को कवर कर ले, इस तरीके से और थोड़ा बड़ा हो सकता है ये, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, अब जो दोस्तों एडिटिंग सिखाने वाला ना, इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना, कैसे ये लिखा हुआ ऊपर जाएगा ना, ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ऐसे और बड़ा कर देंगे, तकरीबन 33-35 सेकंड हो गया ये, अपने हिसाब से इसको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। देखो इसको एकदम नीचे कर देना, एकदम नीचे लेके जाना, एकदम नीचे ला कर रख दिया। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बना होगा की, ठीक है, इस की को आप क्लिक करना, एक बार क्लिक करना, क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आप इसको थोड़ा सा आगे करना, इसे आगे करके इस प्लस वाले पे क्लिक कर देना, ठीक, एक लॉक हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। अब दोस्तों आप क्या करना, एकदम लास्ट में जाना है, एकदम लास्ट में जाके यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। अब जो लिखे हुए थे ना इसको धीमे धीमे ऊपर उठाओ, इसको जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके जाओ, एक लॉक यहाँ भी लगा दो, लास्ट में लॉक लगा दिया, लगाने के बाद से इसको ऊपर लेके जाओ, देख रहे हो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ लॉक लगाने के बाद। फिर अब दोस्तों आपको फाइनल क्या करना है, यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो देखो दोस्तों कैसा दिखेगा आपको, ये प्ले करो, इस तरीके से देखो दोस्तों नीचे से निकल रहा है और ऊपर जा रहा है। अब इसी में आपको वॉइस ओवर भी करना है, किसी गांव में एक किसान रहता था, इस संसार में वह बहुत ही गरीब था, उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। देखो ऐसे जा रहा है, आप चाहते हो तेज चाहे तो तेज कैसे जाएगा दोस्तों, आप क्या करना है, ये जो एंड है ना इस एंड को पकड़ के कम कर देना, तो आप देखो दोस्तों तेज जाएगा, प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, देखो तेजी से ऊपर जा रहा है, देख रहे हो। चाहते हो और तेज जाए तो और कम कर देना, चाहते हो और स्लो जाए तो और बड़ा कर देना, इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या, मान लो आपको इतना ही तो नहीं लिखना है ना, आगे भी तो और लिखना है। आगे लिखने के लिए क्या करोगे, जो भी कहानी दोस्तों उसको पेस्ट करने के बाद से इसके नीचे से कैसे कंटिन्यू होगा, ध्यान से देखना। मान लो कि हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है ना, हमने जो कोई फिर हम गए नोटपैड में, आगे कहानी को अरेंज किए, उसको कॉपी करके ला के यहाँ पे पेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, लेयर पर जा रहे हैं। लेयर पर आप जाना, यहाँ पर आप कैसे करोगे देखो, सबसे पहले दोस्तों ये जो है ना इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लिया,
इसको डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर 3 डॉट पे जाना, क्लिक करना, यहाँ लिखा होगा डुप्लीकेट, बस डुप्लीकेट कर लो। 2 लेयर बन गई, ये बन गया ना, पहला लेयर आगे, दूसरा लेयर को आप पीछे करो, पीछे करो, ठीक है। देखो ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बहुत नीचे हो गया, इसको और थोड़ा हम किनारे करें, और पीछे ले जा रहे हैं, और पीछे छोड़े, और थोड़ा आगे ले जाऊँ, यहाँ पर आया, और थोड़ा पीछे, थोड़ा सा और आगे, देखो देखो ध्यान देखो दोस्तों, और थोड़ा सा, देखो बिल्कुल अरेंज हो गया, देख रहे हो, अभी आगे गया और फिर यहाँ से दूसरा लेयर स्टार्ट हो गया। ये देखो, मान लो कि यार ये तो सेम लिखा हुआ है, इसको तो अलग करना है अगला बात से, मतलब देखो यहाँ तक तो सेम था, ठीक है ना। पहला कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसी गांव में किसान रहता था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये खत्म कहाँ से हो रहा, ध्यान से देखो, ये खत्म हो रहा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर पहला खत्म हो रहा था, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है, किसी गांव में एक किसान रहता था, ठीक है ना, ये वाला स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो हमको क्या करना है, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना, दूसरे वाले को, फिर दोस्तों यहाँ पर आप जाना, कीपैड जो बना होगा इस पर जाना, और इस कहानी को चेंज कर देना, जो आप जाना आप वहाँ पर जाना, नोटपैड में जाना, वहाँ से अगली कहानी को कॉपी करना और लाके इसमें पेस्ट कर देना, समझ रहे हो, इसमें पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दोगे अरेंज हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे अरेंज हो गया। फिर दोस्तों और आगे आपको क्या करना, फिर इसी को डुप्लीकेट कर देना, यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना, फिर इसको आगे खींच देना थोड़ा सा, देख रहे हो ऐसे खींच देना, देखो दोनों मिल यहाँ पर देख सकते हो, आपस में मैच कर गया है, तो थोड़ा सा इसको और पीछे खींचेंगे, हल्का सा छूट जाएगा, नीचे आ गया, देख लो यहाँ पे, देख रहे हो आसानी से कहानी बन गया आपका, ऊपर जा रहा है, जाता रहेगा जाता रहेगा, इसी तरह का आपको अरेंज करना है। एक बस की जो आपको लगाना है, की लगाना सीखना है आपको, कैसे की लगाना है, लास्ट में की लगाना है, अप कर देना उसको, ठीक है ना, और सबको बस डुप्लीकेट करते रहो, डुप्लीकेट करके उस लेयर को क्लिक करो, कीपैड पे जाओ, यहाँ पे अगला कहानी को कॉपी करो, लाके पेस्ट करो, कॉपी करो लाके पेस्ट करो, ठीक है, इतना कर दिए, ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके से बना तो दिया पूरा कहानी है, ठीक है, इसमें भी वॉइस ओवर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका हेडिंग लिखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हेडिंग भी रहे, तो हेडिंग के लिए भी सेम वही करना रहेगा आपको। करना क्या है, आप लेयर पर जाना, लेयर पर जाके यहाँ पर टेक्स्ट पर जाओ, और जो भी इसका जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है, गरीब किसान की कहानी, लिखना हेडिंग, ऐसा लिखना है, ये हेडिंग आ गया इसका, पहले तो ये शैडो है, इसको बंद कर दो, ठीक है, इस शैडो को ऑफ कर दो, इसका कलर पे जाके हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर ले लिए, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, ज़्यादा बोल्ड करेंगे, देख लो गरीब किसान की कहानी, और अब देखेंगे कि ये जो लेयर है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक आने के बाद से ये चलना शुरू हो, ठीक, इसके पहले ये ना चले, इसके पहले ये रुका रहे, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको सीखना जरूरी है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर रुका रहे कि आप गरीब किसान की कहानी यहाँ रुका रहे, और जब ये आए तब चलना शुरू करे, यहाँ से चलना शुरू करे, गरीब किसान की कहानी भी ऊपर जाए, तो यहाँ पे रखो ये लेयर, देखो ध्यान से ये लेयर यहाँ पे हमने रखा है, लेयर यहाँ पे हम की लगाएंगे, की ध्यान से देखो, ये जो की है ना साइड में, इसको लगा दिया यहाँ पे, एक की लग गया यहाँ पे, देख सकते हो एक की लग गया यहाँ पे, ठीक है, हमने प्लस दबा दिया था। अब क्या करेंगे दोस्तों, एंड करेंगे इसको हम यहाँ पर, ठीक है, जब ये ऊपर गया, एक मिनट, ऊपर गया यहाँ पे, छोड़ देंगे एक की, हम इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक, ऊपर कर देंगे इसको, अब ध्यान से देखो ऐसे आया कहानी, ठीक है, साथ में ऊपर जा रहा है, कितना इजी है, बना दिया ना मैं। आप चाहते हो कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और स्लो जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, लेयर को पकड़ो, लंबा कर दो, इस लेयर को पकड़ो, लंबा कर दो, अरेंज कर लेना अपने हिसाब से, लंबा कर दो, अब धीमे धीमे जाएगा, ठीक है, अब धीमे धीमे जाएगा, देखो गरीब किसान की कहानी हो गया, किसी गांव में एक किसान रहता था, इस संसार में वो बहुत ही गरीब था, इस तरीके से आप बना सकते हो, कितना ईजी। अब चलो हम आवाज़ भरते हैं, आवाज़ किसे भरना है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है वॉइस, ठीक है, इस वॉइस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये लाऊ लाऊ कर दीजिए, ये यहाँ लिखा है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पर आप क्लिक कर दीजिए और आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, ये स्टार्ट पर क्लिक हो गया, हेडिंग है हमारा गरीब किसान की कहानी, किसी गांव में एक किसान रहता था, इस संसार में वो बहुत ही गरीब था, उसके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था, ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको यहां पर बोलना रहेगा। आप चाहो तो इसकी स्पीड और भी स्लो कर सकते हो, इसकी लेंथ को बढ़ा करके, ठीक है, ताकि आप आराम से बोल सको, आपकी वीडियो लंबी बने, देख सकते हो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हो फोटोज ला के साइड में ऐड कर सकते हो, देखो मैंने कितना सही बना रखा है, लगातार ऊपर जा रहा है, हर एक लेयर ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से आपको एडिटिंग करना है, जब एडिटिंग कर लो आप अच्छे से पूरा आप एडिट हो जाए, स्टॉप कर दो इसको, ठीक है ना, ये आपकी आवाज़ है, नीचे आपकी जो लेयर दिख रहा है ना, ये आपकी आवाज़ है, इसमें भी कुछ कट लगाना चाहते हो बीच में, कुछ अगर आपने गलती कर रखा है तो कैसे कट करोगे ये भी सीखी लो। मान लो कि दोस्तों हमने इतने दूरी में कुछ गलत बोल दिया है, रुक गया था मैं, तो इतना दूर को कैसे काटेंगे, वहाँ पर ले जाएंगे इस कर्सर को,
फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे करना इसको, पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ये लेयर सेलेक्ट करो, फिर ऑप्शन मिलेगा ट्रिम का, ट्रिम सेलेक्ट करो और जो जो कट लगाना चाहते दोस्तों ये स्प्लिट है, मान लो हमने यहाँ कट लगा दिया, देखो दोस्तों ये अलग अलग लेयर हो गया, ठीक है, थोड़ा और आगे किया फिर स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे, एक और कट लगा दिया, देख सकते हो कि ये पूरा एक लेयर अलग हो गया, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करिए डिलीट का, ये ऑप्शन आएगा डिलीट का, गायब हो गया वो लेयर जो हमने गलती किया था, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब कहानी स्टार्टिंग से सुनेंगे, कैसे सुनाई देगा ऐसे देखो। पेंटिंग है हमारा गरीब किसान की कहानी। किसी गांव में किसान रहता था, इस संसार में वो बहुत ही गरीब था, उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। इसी तरीके से दोस्तों आप पूरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चाहते हो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना तो वो भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर म्यूजिक लिखा हुआ है ना, बस म्यूजिक पे क्लिक करो, अपने जो भी आपका नॉन कॉपीराइट म्यूजिक इसमें ऐड कर दो, थोड़ा सा रोने वाला रहेगा, कहानी के हिसाब से म्यूजिक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, मान लो आपने सब कुछ एडिट कर लिया है, आप चाहो तो इसमें वीडियो भी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सारा चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर से ऐड हो जाएगा। आप जब इस तरह की सीखोगे ना, एडिटिंग सीखोगे, काइनमास्टर कैसे एडिट करते तो आप और अच्छे से कर सकते हो। अगर एडिटिंग नहीं आती है दोस्तों आपको काइनमास्टर की, जितना मैंने सिखा दिया इतने से तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे सीखना चाहते हो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, काइनमास्टर एडिटिंग का मैंने सिखा रखा है, वहाँ पर देख के सीख लीजिएगा, ठीक है। मान लो आपने वीडियो बना लिया, सेव करना है, सेव कैसे करोगे, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो ये जो आइकन बनाना है, इस पर आप क्लिक करिएगा, फिर आपका सामने कुछ इस तरह का आएगा बनकर, ठीक है, फिर आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा वीडियो पर, और फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा शेयर वाला बटन, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन आएगा, जो भी क्वालिटी आपके मोबाइल में जो अच्छा होगा 4K QHD आप सेव कर लीजिएगा, इसको आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा 15-20 के आसपास, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कर दो दोस्तों आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, और फिर भी उस वीडियो को लेकर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी अपलोड करो, 100% दोस्तों आपका वो वीडियो वायरल जाएगा। लोग आजकल कहानी पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कोई कहानी पढ़ के सुनाए, ठीक है, तो उसी को कहानी को आपको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से, ताकि लगे आप दिल से पढ़ रहे हो उस कहानी को। दोस्तों जो भी दर्द है ना आपकी आवाज़ में पता चलना चाहिए, ताकि सुनने वाला सुनता रहे, जितना अट्रैक्टिव कहानी होगा उतना देर तक लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, जितना देर तक आपकी वीडियो को देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वीडियो वायरल होने की चांसेस बढ़ेगी, ठीक है। थंबनेल लगाने का भी कोई टेंशन नहीं दोस्तों, जो भी आपने कहानी बना रखा है ना उसी का स्क्रीनशॉट लेके सामने लगा दीजिएगा, आपका थंबनेल बन जाएगा, जो भी आपने कहानी मतलब लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगा दीजिएगा, ऐसी कहानी मतलब लोग थंबनेल बनाते हैं। आप अपनी तरह कैटेगरी के चैनल को देखिएगा कि वो लोग कैसे क्या टाइटल लिखते हैं, किस तरह थंबनेल लगाते हैं, थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल से कॉपी करना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, अच्छा खासा दोस्तों इस पर आपको व्यूज़ मिलेगा। अगर आप इसी तरह का और कंटेंट चाहते हो जिसमें आपको मेहनत ही ना करना पड़े, यार आप यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को देखो, इसमें तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करना है, सिंपल सा वीडियो जाके देखो, इस तरह भी कंटेंट बनाओगे ना तब भी अच्छा खासा आपका वीडियो वायरल जाएगा। यार अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, यार क्या कर रहे हो यार, इतना मेहनत करके यार वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, यार वीडियो को एक लाइक तो कर दो यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि इस तरह का जब भी कंटेंट बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सको। यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।